दोस्तों मैं अभी टास्क को लिए यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ एक वीडियो और पोस्ट मैच एनालिसिस की। दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ नोवाक जोकोविच वर्सेस रूबलेव के बीच में जो मैच था। पिछली वीडियो में गलती से मैंने जो टेक्स्ट था वो पोस्ट लिख दिया था, बट वो प्री मैच एनालिसिस थी। इस बार जो लेके आऊँ पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आऊँ। एनालिसिस में बढ़ने से पहले पहले चीज़ें बाकी जो बता देता हूँ, ATP रैंकिंग जोकोविच की 5 वर्सेज ATP रैंकिंग रूबलेव की 6, और दोनों के बीच में मैच पहले भी हो चुके हैं। 2-1 से लीड कर रहे थे नोवाक जोकोविच, ये वाला मैच जीते 3-1 से लीड कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में एकदम वन साइडेड प्रदर्शन रहा। पहले दो सेट्स में तो काफ़ी अच्छी फाइट भी हुई है, थर्ड सेट में भी अच्छी फाइट हुई, बट पहले दो सेट के स्कोर देख के लगता नहीं है। थर्ड सेट में जो क्लिनिकल सर्विस गेम रही है जोकोविच की, 8 बार ब्रेक की है। फर्स्ट टू सेट में क्लिनिकल सर्विस गेम नहीं रही है, बट उन्होंने अपनी सर्विस गेम होल्ड रही है, और यही जोको ने अपने इंटरव्यू में बोला था। और वो शानदार प्रदर्शन करके फिर से पहुंच गया 10th टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में। और जब जब सेमीफाइनल में जाते हैं तब तक फाइनल हो जाते हैं। दोस्तों इसी रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आऊँ। एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो नहीं किया, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके पोस्ट मैच रिगार्डिंग, प्री मैच रिगार्डिंग, अदर एक्टिविटीज रिगार्डिंग, ब्लॉट्स रिगार्डिंग। दोस्तों अब बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। पहले सेट में शुरू में तो रूबलेव और जोकोविच अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखे थे, फिर जोकोविच ने अपनी सर्विस गेम होल्ड रखी, फिर उसके बाद रूबलेव की सर्विस गेम ब्रेक की, फिर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, सर्विस गेम फिर से ब्रेक की, और लास्ट में अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। इस दौरान काफ़ी बार ब्रेक पॉइंट लाने में कामयाब भी हुए रूबलेव, बट वह कन्वर्ट नहीं कर पाए, और जोकोविच दूसरी ओवर जो भी ब्रेक पॉइंट आ रहे थे उन्हें सेव कर रहे थे, और उधर से जो ब्रेक पॉइंट आ रहे थे उन्हें कन्वर्ट भी कर रहे थे। पहला सेट जीते 6-8 से। सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट में भी ऐसा ही देखने को कुछ मिला। रूबलेव 2 गेम्स तो रख पाए, बट बाकी 2 बार सर्विस गेम इस बार भी ब्रेक हुई उनकी। पहली सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर जोकोविच ने होल्ड रखा, फिर सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर जोकोविच ने होल्ड रखा, फिर सर्विस गेम ब्रेक की, जोकोविच ने होल्ड रखा, सर्विस गेम ब्रेक की, जोकोविच ने होल्ड रखा। शानदार प्रदर्शन किया, बढ़िया से प्रदर्शन किया, 6-2 से सेकंड सेट जीता। पहले सेट में भी 2 बार सर्विस गेम ब्रेक, सेकंड सेट में भी 2 बार सर्विस गेम ब्रेक, और ऐसी बात नहीं है कि रूबलेव सर्विस गेम ब्रेक पॉइंट लाने में कामयाब हुए। 5 बार ब्रेक पॉइंट भी लाया, बट वो कन्वर्ट 1 बार भी नहीं कर पाए, और जोकोविच ने 5 के 5 लगातार सेव किए। थर्ड सेट की बारी रहते तो आते ही सर्विस गेम ब्रेक कर दी थी रूबलेव की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फाइनली रूबलेव सर्विस गेम पे होल्ड रख पाए। उसके बाद जोको अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रहे थे, रूबलेव भी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रहे थे। जोको की वाली सर्विस गेम काफ़ी क्लिनिकल रही, ये नहीं है कि इस बार ब्रेक पॉइंट आने दिया, और दूसरी ओर रूबलेव 1-2 बॉल आया ब्रेक पॉइंट बट उन्हें सेव किया, बढ़िया प्रदर्शन किया, और 4-6 से फिर भी हार गए क्योंकि शुरू में ही सर्विस गेम ब्रेक हो रही थी। रूबलेव के खिलाफ ये मैच वो जीते हैं और तीसरा मैच जीते हैं। दोस्तों अरे मैच के स्टार्ट की ओर नजर डाल दो, एसिस 10+ लिए हैं जोकोविच ने, 14 एसिस लिए हैं, डबल फॉल्ट 6 किए हैं, दूसरी ओर डबल फॉल्ट रूबलेव ने 3 ही किए हैं, बट एसिस भी उन्होंने कम लिए हैं, 6 एसिस लिए हैं लगभग 6 और 8। अगर मैं ब्रेक पॉइंट देखा जाऊँ, ब्रेक पॉइंट काफ़ी बार हुआ है, 2, 4, 5 रूबलेव की सर्विस गेम 5 बार ब्रेक हुई, दूसरी ओर जोकोविच की 5 बार ब्रेक पॉइंट है, 5 के 5 जोकोविच ने सेव किए। ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है रूबलेव के खिलाफ, वन साइडेड मैच हार दिया। दोस्तों जोकोविच का जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई आपको पहला फाइनल याद है, तो पहले फाइनल में रॉजर फेडरर का नाम लेके, पहले सेमीफाइनल जो मैंने खेला था वो जीता था, उसके बाद फाइनल खेला था, रॉजर से हारा था, फिर रॉजर के बाद में अप्लॉशन दी, और वो मैंने देखा था कि वो फैशन वीक में है, अगर वो स्टाइन करेंगे तो स्टाइन में मैं हरा सकता हूँ उन्हें, क्योंकि जो जोको की फैमिली का स्पोर्ट था वो स्टाइन ही था, नंबर 2 टेनिस था। और जोको ने एक बात और बोली है कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन में नो, उनसे जब पूछा गया कि 9 बार जीते हो 10 टाइम, तो बोलता है यस आई विल ट्राई, और जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे प्रदर्शन करता रहा तो मैं अगला मैच भी गो थ्रू हो सकता हूँ, और चांसेस जोकोविच के बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मैच उनके पास होने वाला है टॉमी पॉल के खिलाफ, टॉमी पॉल के पास खोने को कुछ नहीं, ऐसा जोकोविच ने कहा है। देखा जाए टॉमी पॉल के पास खोने को कुछ नहीं है, बट जोकोविच चाहेंगे कि भाई उनके पास भी कुछ नहीं है क्योंकि खोने के, क्योंकि जोकोविच सब कुछ हासिल कर चुके हैं। अगर वो जीत जाते हैं ATP 19 नंबर 1 की बादशाह फिर से हासिल कर लेंगे, ग्रैंड स्लैम में तो बादशाह माने ही जाते हैं, ग्रैंड स्लैम मोरा जाएगा। जोको के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगले मैच में जीने के लिए। दोस्तों आप फिर भी बताएं कि क्या लगता है आपको, कैसा होगा मैच, क्या प्रदर्शन रहेगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।